राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में NH-52 स्थित होटल अनोखी हट में फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें होटल का मैनेजर दीपक और होटल के अन्य स्टाफ के लोग बाहर खड़े रहते हैं। तभी सरफरे युवक ने आते ही स्टाफ पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गोली लगने से दो मैनेजर दीपाराम की हालत गंभीर भी बनी हुई है। दीपाराम की हालत नाजुक होने से उसे सीकर के जयपुर रेफर भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार रात की यह घटना है। 10 बजे आरोपी होटल अनोखी हट से खाना खाने के लिए आया था। खाने के बाद होटल मैनेजर दीपाराम ने जब उससे पैसे मांगे तो उसने उधार रखने और अपना नाम लिखने को कहा। इस पर यह विवाद शुरू हुआ। ये लाइव वीडियो आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ होकर के जो आरोपी है, जो बदमाश है, उसने फायरिंग की है और इस फायरिंग में मैनेजर की हालत गंभीर बताई जा रही है। राकेश गुर्जर हमारे संवाददाता फतेहपुर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, क्या ये जो आरोपी है जिसने फायरिंग की है, ये पहले भी आता था या पहली बार इस होटल में आया था जो इसने अपने नाम पर खाना लिखने की बात कही थी? ये जो आरोपी है पहले भी होटल में आ चुका था, लेकिन आज अगर उस समय की बात की जाए तो इसके पास पैसे नहीं होने की वजह से इसने किसी से अन्य पे कहाया था कि ऐसा पैसे नहीं है, तो ये आखिर में बात हो गई कि उधार रुपए है वो लिख लिए किसी दूसरे के नाम से। इस पे जब उन जो होटल का जो मैनेजर है उसको ट्रस्ट नहीं था, तो दूसरे के नाम से पैसे है वो दूसरे के खाते उधार में लिखे। राकेश, क्या अभी इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की तरफ से? पुलिस की ओर से अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस का जिस तरीके से हमारी सुबह ही उधर तो थाना अधिकारी उदय सिंह से बात हुई, उनका 7 तौर पर कहना है कि पुलिस नंबरों के आधार पर लगातार जो आरोपी है उसकी जो तलाश जारी है और जगह जगह, क्योंकि इस जो फायरिंग की जो घटना है उसका जो वीडियो है, CCTV फुटेज है, वो जिस तरीके से सामने आया उसमें सिर्फ महज 1200 रुपए के लिए ये फायरिंग हुई है। बिल्कुल, चलिए राकेश, शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए।